हेलो गाइस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम बात करने वाले हैं आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर नेट और गेट में तो पूछा ही जाता है ये टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है आइडेंटिकल पार्टिकल्स। उस टॉपिक का क्या नाम है? आइडेंटिकल पार्टिकल्स, राइट। टॉपिक का नाम है आइडेंटिकल पार्टिकल। आइडेंटिकल राइट। तो डियर, आइडेंटिकल पार्टिकल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो ये जानने की नीड है कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडेंटिकल पार्टिकल्स। आइडेंटिकल पार्टिकल का क्या मतलब, क्या मीनिंग, राइट। सो आइडेंटिकल पार्टिकल उस पार्टिकल को बोलते हैं जिस पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इन द सेंस चार्ज, मास, साइज एक्सेट्रा, इन सब प्रॉपर्टी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, राइट ना। दोज पार्टिकल हैविंग सेम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, दोज पार्टिकल्स हैविंग सेम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज कॉल्ड आइडेंटिकल पार्टिकल्स, कॉल्ड आइडेंटिकल पार्टिकल्स। दोज पार्टिकल्स हैविंग सेम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज कॉल्ड आइडेंटिकल पार्टिकल्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल मास, चार्ज, साइज, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखा कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स कहते किसे हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल का डिफिनेशन ये रहा, राइट ना। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। There are two types of identical particles. First one, distinguishable and second one indistinguishable. Distinguishable and second one indistinguishable. Distinguishable particles ऐसे पार्टिकल जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सके। डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिस पार्टिकल को हम रिकॉग्नाइज कर सके, और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल ऐसे पार्टिकल जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। जैसे मान लिया मैं यहां पे आइडियल गैस ले लिया, यहां पे मैंने आइडियल गैस ले लिया, यहां पे मैंने क्या ले लिया, आइडियल गैस,
राइट ना, यहां पे मैंने क्या लिया, आइडियल गैस, और ये आइडियल गैस लो हाई टेम्परेचर पे हो, लो प्रेशर लो डेंसिटी तो ऐसे, तो इस केस में जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे इसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे अगर टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो पार्टिकल क्या होगी, दूर दूर होंगे, राइट ना। डेंसिटी प्रेशर कम होगा, पिस्टन का प्रेशर कम होगा तो पार्टिकल दूर दूर होंगे। लो डेंसिटी, लो डेंसिटी इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल दूर दूर हैं, बिखरे हुए हैं इस सिस्टम के अंदर, राइट ना। तो ये अगर ये इस तरह के कंडीशन को फॉलो कर रहा है, आइडियल गैस को, ये आइडियल गैस है, राइट ना, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो अगर पार्टिकल दूर दूर है, और यू नो दिस थिंग कि अगर कोई पार्टिकल डायनेमिकल पार्टिकल्स है, अगर कोई डायनेमिकल पार्टिकल्स है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी, राइट ना। तो अब बताओ यहां पे मान लो एक वेव ये है और एक वेव ये है, बीच में पार्टीशन है, तो यहां पे तो दोनों को हम तो बता सकते हैं ना, राइट ना, दोनों को तो हम बता सकते हैं कि ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, रिकॉग्नाइज तो कर सकते हैं, क्लियर है ना। लेकिन अगर यही वेव क्या हो जाए, आपस में ओवरलैप कर जाए, तो क्या आप वहां पे आप बता सकते हैं कि कौन सी फर्स्ट वेव है, कौन सी सेकंड वेव है, नहीं बता सकते। सिमिलरली यहां पे अगर इसका मतलब क्या है, सेपरेशन है इनके बीच में, इसका मतलब क्या है, ये दूर दूर है, राइट ना। अगर ये दूर दूर है तो इनको पहचानना आसान है, लेकिन यही अगर पास पास आएंगे तो ओवरलैप कर जाएंगे, राइट ना। अगर यही वेव पास पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, तो उस कंडीशन में आपको इसको पहचान पाना मुश्किल है, राइट ना। तो इसी तरह से यहां पे मैं एक एग्जांपल लिया हूं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का, एक एग्जांपल लिया हूं कि अगर कोई आइडियल गैस है और वो लोड हाई टेम्परेचर पे है, लो प्रेशर पे है, लो डेंसिटी पे है, तो यहां पे इस पार्टिकल को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा पार्टिकल कहां पे है। बट अगर यही पार्टिकल्स लो टेम्परेचर पे करते, अगर इनका सिस्टम का टेम्परेचर क्या कर दे, लो कर दे, लो का मतलब टेम्परेचर रिड्यूस कर दे, टेम्परेचर रिड्यूस करने के बाद पार्टिकल्स कहां पे आएंगे, पार्टिकल पास पास आएंगे, कंडेंस होंगे, प्रेशर लो कर दे, डेंसिटी हाई कर दे, राइट ना। तो जैसे डेंसिटी हाई करेंगे तो कम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स लाई करना शुरू कर देंगे, टेम्परेचर लो करोगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, और आप ही ने कुछ देर पहले बोला कि अगर पार्टिकल, अगर कोई डायनेमिकल पार्टिकल्स है, अगर कोई डायनेमिकल पार्टिकल्स है, राइट ना, तो वहां पे वेव एसोसिएट होती है, राइट ना। अगर वेव एसोसिएट होगी, अगर पार्टिकल पास पास आएंगे तो हर पार्टिकल का अपना वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन ओवरलैप कर जाएगा। अगर जैसे ही ओवरलैप करेगा, जैसे ही ओवरलैप करेगा तो उस पार्टिकल को पहचानना, उस पार्टिकल को रिकॉग्नाइज करना ये मुश्किल काम हो जाएगा। अब यहां पे पार्टिकल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, अब यहां पे पार्टिकल को डिस्टिंग्स नहीं कर सकते, तो इस कंडीशन में इस पार्टिकल को इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का नाम देते हैं, इस कंडीशन में इस पार्टिकल को इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का नाम देते हैं। तो अब आई होप सो कि अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, राइट ना। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल में पार्टिकल को अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, पार्टिकल पास पास होंगे, पार्टिकल पास पास होते हैं तो जहां पे तो पार्टिकल पास पास होने की वजह से वो उनका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। जैसे वेव फंक्शन ओवरलैप करेगा पार्टिकल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगी, इस कंडीशन में यही पार्टिकल जो पहले डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल था, अब वो पार्टिकल क्या हो जाएगा, इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हो जाएगा, करेक्ट। आई बात समझ में, ओके। अब देखो तो अब अच्छा ये भी बात पूछने वाली है कि ये कितना डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच का, इनके बीच का डिस्टेंस कहां पे, कितने डिस्टेंस पे अगर पार्टिकल्स आएंगे तो ये इनका वेव फंक्शन ओवरलैप करेगा,
तो इसका आंसर यह है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ से, इनके बीच का सेपरेशन डी ब्रोगली वेवलेंथ से अगर ज्यादा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ से ज्यादा है तो इस पार्टिकल को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अगर इनका सेपरेशन डी ब्रोगली वेवलेंथ से कम है तो वहां पे पार्टिकल को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। मतलब कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है आइडेंटिकल आइडेंटिकल पार्टिकल्स, क्लियर। आइडेंटिकल पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक डिस्टिंग्विशेबल सेपरेशन बिटवीन बिटवीन टू वेव इज ग्रेटर देन, सेपरेशन बिटवीन टू वेव्स इज ग्रेटर देन डी ब्रोगली वेवलेंथ। सेपरेशन बिटवीन टू वेव्स इज ग्रेटर देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज कॉल्ड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। राइट, और सेकेंड वन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। हेलो डियर परमेंदर, इनडिस्टिंग्विशेबल राइट, तो इनडिस्टिंग्विशेबल सेपरेशन बिटवीन टू वेव्स लेस देन डी ब्रोगली वेवलेंथ सेपरेशन बिटवीन टू वेव्स इज लेस देन डी ब्रोगली वेवलेंथ इट्स कॉल्ड इनडिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, राइट ना। सो आइडेंटिकल पार्टिकल्स को हम डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स भी बोलेंगे। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स कहते किसे हैं, दोज पार्टिकल्स हैविंग सेम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, वो पार्टिकल जिसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज का हो सेम हो, तो ऐसे पार्टिकल को आइडेंटिकल पार्टिकल का नाम देते हैं, जैसे मास, चार्ज, साइज एक्सेट्रा, राइट। एंड आइडेंटिकल पार्टिकल को हम डिस्टिंग्विशेबल आइडेंटिकल पार्टिकल को हम दो पार्ट में कैरेक्टराइज करते हैं, एक डिस्टिंग्विशेबल एक इनडिस्टिंग्विशेबल। तो कभी कभी पूछ लेता है कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कब होगा, जब डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के लिए दो वेव का बीच का सेपरेशन डी ब्रोगली वेवलेंथ से कम हो, ग्रेटर हो, तो उस कंडीशन में वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल कहलाएगा, और जब उनके बीच का सेपरेशन डी ब्रोगली वेवलेंथ से कम हो तो उस कंडीशन में इनको हम क्या नाम देंगे, उस कंडीशन में इसको इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का नाम देंगे, राइट। उस कंडीशन में इसको इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का नाम देंगे, क्लियर।
ओके, तो हम चूंकि क्वांटम पढ़ रहे हैं तो क्वांटम में हमें इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की स्टडी करनी है, ना कि डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल की। क्वांटम में हमको किसकी स्टडी करनी है जी? क्वांटम में किसकी अभी स्टडी करनी है हमें? इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की। सो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, इनडिस्टिंग्विशेबल इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, ओके। सो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को भी हमने, सो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को भी हमने दो पार्ट में डिफाइन किया, एक फर्मियोन एंड सेकेंड वन बोसॉन, फर्मियोन एंड सेकेंड वन बोसॉन, राइट ना? फर्मियोन एंड सेकेंड वन, फर्स्ट वन फर्मियोन एंड सेकेंड वन बोसॉन। तो बोसॉन किसे कहते हैं? ये बोथ आर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स है, फर्मियोन एंड बोसॉन बोथ आर इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स। तो हम दोनों को हम इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल बोलते हैं, लेकिन इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कौन फर्मियोन है कौन बोसॉन है, राइट ना? इसको डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे कि कौन फर्मियोन है और कौन बोसॉन है, राइट? सो फर्मी कौन सा फर्मियोन है कौन सा बोसॉन है, अगर तो इसको फर्मियोन और बोसॉन को स्पिन के बेस पे कैरेक्टराइज किया गया, किसके बेस पे? स्पिन के बेस पे, दोज पार्टिकल्स हैविंग इंटीग्रल हाफ स्पिन, राइट ना? दोज पार्टिकल्स हैविंग इंटीग्रल हाफ स्पिन दैट इज एस इज इक्वल टू 1/2, 3/2, 5/2, those particles having integral half spin 1/2, 3/2, 5/2, right na? 1/2, 3/2, 5/2 with anti-symmetric wave function, with anti-symmetric with anti-symmetric wave function is called, with anti-symmetric wave function is called fermions, right? It's called fermions. Fermions does not follow the do not follow Pauli's exclusion principle. Fermions follow fermions follow Pauli's exclusion principle,
राइट, फर्मियॉन्स फॉलो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. फर्मियॉन्स जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है. फर्मियॉन्स फॉलोस पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. फर्मियॉन जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है. मतलब सेम स्पिन का एक स्टेट में एक ही पार्टिकल. पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब क्या, सेम स्पिन का एक स्टेट में एक ही पार्टिकल क्या करता है, फ्लाई करता है. सेम स्पिन का एक स्टेट में एक ही पार्टिकल फ्लाई करेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. राइट ना. एंड दोज पार्टिकल्स हैविंग those particles having integral speed, integral speed that is s is equal to 0 1 2 3 up to so on, 0 1 2 3 up to so on with symmetric wave function, with symmetric wave function right na, called bosons. Right? Bosons. Does not follow. Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Right na? Boson does not follow Pauli exclusion principle. Boson jo hai Pauli exclusion principle ko follow नहीं करता. क्या नहीं करता, बोसॉन जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता. राइट ना. तो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को हम स्पिन के बेस पे दो पार्ट में कैरेक्टराइज किए, फर्मियॉन्स एंड बोसॉन्स. दोज पार्टिकल्स हैविंग इंटीग्रल हाफ स्पिन एस इज इक्वल टू 1/2, 3/2, 5/2 with antisymmetric wave function called fermions. Fermions जो है Pauli exclusion principle को follow करता है. It means same spin का एक state में एक ही particle lie कर सकता है और opposite spin का दो particles. But boson एक ऐसे particle जिसका spin integral spin हो 0, 1, 2, 3 इस तरह का spin हो और इसका wave function क्या हो, symmetric हो, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, bosons का. boson जो है Pauli exclusion principle को पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है. राइट right? अच्छा, कोई एटम अगर आपको दे दिया जाए, हाउ यू डिसाइड द एटम इज फर्मियॉन्स एंड बोसॉन, हाउ डिसाइड atom is fermion boson. आप कैसे डिसाइड करोगे, आप कैसे डिसाइड करोगे कि फर्मियॉन्स क्या है, कोई एटम फर्मियॉन है या boson. How you decide the atom is fermion or how you decide the fermion is atom is fermion and boson. कैसे decide करोगे कि
कोई एटम फर्मियॉन है या बोसोन। क्लियर है? कैसे डिसाइड करोगे? मान लिया कोई एटम है एक्स, राइट ना, और यहां पे हमने नीचे जेड एटॉमिक नंबर, और यह क्या है एटॉमिक वेट, राइट ना, जेड से एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं और ए से एटॉमिक वेट रिप्रेजेंट करते हैं, राइट ना। तो ये पता कैसे करोगे आप, कैसे पता करोगे कि कोई एटम फर्मियोन है या बोसोन, किस तरह से पता करोगे, राइट ना। तो देखिए जी, देखिए, अगर इफ एन एटम एटम यदि किसी एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन इजिकल टू अगर इवेन है, इन सब का सम, इफ नंबर, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये दिस इज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, दीज ऑल आर न्यूक्लियॉन्स ना, दीज ऑल आर न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दीज ऑल आर न्यूक्लियॉन्स, राइट ना। और ये न्यूक्लियॉन्स जो है, अगर इन सबका सम अगर इवेन हो, अगर इन सबका सम्स क्या हो, इवेन हो, तो उस कंडीशन में राइट ना, आप बता सकते हैं वो एटम क्या है, बोसोन, राइट ना। इवेन इफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स आर इवन, देन एटम विल बी बोसोन। Then atom will be boson, right ना? तब वो atom क्या होगा? Boson होगा, right ना? अच्छा, you know this thing, proton. Proton को किस तरह से represent करते हो? Z से। और जितना number of proton होता है, उतना number of electron होता है। Number of proton is equal to number of electron is equal to Z, is equal to atomic number. तो proton का मतलब proton प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, राइट, इजिकल टू इवन, क्लियर ना। देन प्रोटॉन को जेड से रिप्रेजेंट करते हो, न्यूट्रॉन को कैसे डिफाइन करोगे, एटॉमिक वेट में से एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, एटॉमिक वेट क्या है, ए माइनस के जेड, ये किसको बताता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को बताता है, प्लस नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किसको करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इजकल टू जेड, इजकल टू इवन, इजकल टू इवन, राइट ना। तो जेड प्लस के ए माइनस के जेड प्लस के जेड इजकल टू इवन, राइट, जेड से जेड कैंसल आउट हियर, जेड प्लस के ए इजकल टू इवन, जेड प्लस के ए इजकल टू इवेन, राइट ना। जेड प्लस के एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक वेट का जो सम है, अगर इवेन आ रहा है, देन दिस विल बी नोन एज बोसोन। तो ये क्या कहलाएगा भाई, ये क्या होगा, बोसोन को बताएगा, ये क्या होगा, बोसोन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। इफ फर्मियोन इफ एन एटम
having odd number of nucleons, having odd number of, if an atom having odd number of nucleons, if an atom having odd number of nucleons called fermions, called fermions, odd number of nucleons. Nucleons, it means, what do you mean by nucleons? Sum of electron, proton and neutron, sum of electron, proton and electron is called nucleons, right? So electron, proton plus proton plus neutron is equal to odd. अगर इसकी सम सब सभी न्यूक्लियॉन्स का सम अगर ऑड हो, इलेक्ट्रॉन को Z से रिप्रेजेंट करते हो, Z, प्रोटॉन को भी Z से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन को A माइनस के Z से बताते हैं, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस के Z, राइट ना? एक इज इक्वल टू ऑड. अगर ये मिल जाए, इट मीन्स Z प्लस के A इज इक्वल टू ऑड, Z प्लस के A इज इक्वल टू ऑड, राइट? तो इस यहां पे जो एटम होगा वो क्या होगा? फर्मियॉन्स. यहां पे जो एटम होगा वो क्या कहलाएगा? फर्मियॉन कहलाएगा, राइट ना? यहां पे जो एटम होगा वो उसका हम किसको, उसको हम किसका नाम देंगे भाई? फर्मियॉन्स का नाम देंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड कि फर्मियॉन किसे कहते हैं. कोई एटम अगर आपके सामने आ जाए तो उस एटम को कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे कि वो फर्मियॉन है या बोसॉन है, राइट ना? क्लियर है? ओके. तो अभी तक जो हमारी बातें चल रही थी, अभी तक चाहे आप किसी भी सिस्टम की बात कर ले, किसी भी सिस्टम की बात कर ले, राइट ना, किसी भी सिस्टम की बात कर ले, चाहे पार्टिकल इन बॉक्स की बात कर लें, चाहे हाइड्रोजन एटम की बात कर लें, चाहे रिजिड रोटेटर की बात कर लें, चाहे हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर लें, किसी भी सिस्टम की बात कर लें, अभी तक आपने जो भी वेव फंक्शन लिखा होगा, ओनली एंड ओनली स्पेस पार्ट का वेव फंक्शन लिखा, राइट ना? ओनली एंड ओनली स्पेस पार्ट का वेव फंक्शन लिखा होगा. जैसे साई, अगर वन डायमेंशन की बात कर रहे थे तो एक्स, राइट ना? टू डायमेंशन की बात करते तो एक्स वाई, थ्री डायमेंशन की बात करते तो जेड. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्पेस पार्ट का वेव फंक्शन, राइट ना? ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्पेस पार्ट का वेव फंक्शन, राइट ना? या आप आर थीटा फाई की बात करते थे, ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में स्पेस पार्ट का वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है. क्लियर ना? राइट. तो बेसिकली अगर कोई पार्टिकल से अगर मान लो सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन ही कर रहा है, राइट ना, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी. वो सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन इस तरह से करेगा, वो अपने एक्सिस पे स्पिन मोशन करते हुए आगे बढ़ता है, वो अपने स्पिन मोशन करते हुए, राइट ना, स्पिन मोशन करते हुए आगे बढ़ता है. मतलब कहीं ना कहीं हम स्पिन, अभी तक जो हम बातें चल रही थी ना, ओनली एंड ओनली स्पेस पार्ट की बातें चल रही थी, स्पिन पार्ट की बातें को हमने क्या किया था, डिस्कार्ड करके चल रहे थे. लेकिन अगर टोटल, अगर वेव फंक्शन रियल में, अगर आपको टोटल वेव फंक्शन लिखना होगा, राइट ना, अगर रियल में आपको टोटल वेव फंक्शन लिखना होगा तो आपको क्या लिखना होगा? स्पेस पार्ट का तो पहले से आपने लिखते हुए आ ही रहे हो, स्पिन पार्ट का भी वेव फंक्शन आपको डिजाइन करना होगा. यू नो दिस थिंग, यू नो दिस थिंग कि वेव फंक्शन इज ए मल्टीप्लिकेटिव क्वांटिटी. तो स्पेस पार्ट और स्पिन पार्ट को, दोनों को, दोनों स्पेस पार्ट वेव फंक्शन
और स्पिन पार्ट वेव फंक्शन, अगर आप दोनों को कम मल्टीप्लाई कर देते हो तो उस सिस्टम का उस पर्टिकुलर स्टेट में आपको टोटल वेव फंक्शन मिल जाता है, राइट ना। इसका मतलब अगर आपको साई टोटल लिखना होगा, टोटल वेव फंक्शन लिखना होगा, तो साई स्पेस इंटू साई स्पीड, साई स्पेस इंटू साई स्पीड, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको टोटल वेव फंक्शन मिल जाएगा, राइट ना। तो अब इसमें हम बात करेंगे, हाँ डियर, क्या आपने पूछा सर व्हेन इज सीएसआईआर? बेटा आएगा सीएसआईआर, होगा एग्जाम, थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है, हमें अपनी तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने हैं, एग्जाम तो होना ही है जब हो, राइट ना। तो अपने आप को तैयार रखने हैं खुद से कि जब भी एग्जाम आ जाए हम तैयार हैं, राइट ना। ओके, तो साई स्पेस, अभी हमको टोटल वेव फंक्शन लिखना हो तो स्पेस पार्ट का के साथ साथ स्पिन पार्ट को भी इंक्लूड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेव फंक्शन आपको मिल जाएगा, राइट ना। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल वेव फंक्शन आपको मिल जाएगा। अजी आपने कुछ देर पहले बोला कि फर्मियन का वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक होता है और बोसॉन का वेव फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। आपने बोला ना फर्मियन का, बेटे अभी कोई डेट नहीं आई है लेकिन अगस्त में तो होगा, लेटेस्ट भी होगा, लेट से लेट होगा तो अगस्त में आपका एग्जाम होगा, राइट ना, क्योंकि जून तो चल ही रहा है, जून जुलाई में तो पॉसिबल है ना एग्जाम होना, तो अगस्त में आपका एग्जाम मे बी पॉसिबिलिटी है कि अगस्त में आपका एग्जाम हो, क्लियर है। तो प्रिपेयर रखो, प्रिपरेशन रखो आप अपनी। तो देखो जरा तो अगर मैं साई टोटल एंटीसिमेट्रिक हो तो या तो साई स्पेस सिमेट्रिक हो जाए और साई स्पिन एंटीसिमेट्रिक हो जाए, राइट ना, या साई टोटल एंटीसिमेट्रिक है तो साई स्पेस एंटी साई स्पिन सिमेट्रिक। कहने का मतलब यह है कि अगर फर्मियन के केस में टोटल वेव फंक्शन क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है, तो साई स्पिन में तो इसमें से एक को सिमेट्रिक और दूसरे को एंटीसिमेट्रिक होना पड़ेगा, तो ये जाकर के दोनों का मल्टीप्लीकेशन एंटीसिमेट्रिक आएगा, तभी जाकर के दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल आएगा, एंटीसिमेट्रिक आएगा, राइट ना डिया, क्लियर ना। तो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए स्पेस पार्ट स्पिन पार्ट में से दोनों में से किसी एक को एंटीसिमेट्रिक होना पड़ेगा और सेकेंड वन को और नेक्स्ट वन को सिमेट्रिक होना पड़ेगा, राइट ना, क्लियर है। अब इसी तरह से अगर साई टोटल सिमेट्रिक हो तो साई स्पेस और साई स्पिन दोनों को सिमेट्रिक होना पड़ेगा या
साइड टोटल सिमेट्रिक हो साई स्पेस स्पेस एंटी सिमेट्रिक साई स्पिन एंटी सिमेट्रिक क्लियर है राइट दोनों में से या तो दोनों एंटी सिमेट्रिक हो तो जाकर के एंटी सिमेट्रिक इंटू एंटी सिमेट्रिक सिमेट्रिक आएगा या दोनों सिमेट्रिक हो तो जाकर के सिमेट्रिक आएगा लेकिन फर्मियॉन के केस में एंटी सिमेट्रिक होता है तो दोनों में से एक को सिमेट्रिक एक को एंटी सिमेट्रिक होना पड़ेगा ये किसके लिए होता है फॉर बोसॉन और ये किसके के लिए होगा फॉर फर्मियॉन्स और फर्मियॉन्स राइट तो ये देखा आपने क्या देखा कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स किसे कहते हैं ऐसे पार्टिकल्स जिसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी सेम हो आइडेंटिकल पार्टिकल का नाम देंगे आइडेंटिकल पार्टिकल को हम दो पार्ट में डिस्टिंग्स करेंगे एक डिस्टिंक्सुअल इनडिस्टिंक्सुअल आइडेंटिकल पार्टिकल को डिस्टिंक्सुअल इनडिस्टिंक्सुअल पार्टिकल कन्ट कैसे आइडेंटिकल पार्टिकल उनके लिए क्या कंडीशन होती है कि कब डिस्टिंक्सुअल होगा कब इनडिस्टिंक्सुअल होगा इनडिस्टिंक्सुअल पार्टिकल को भी दो पार्ट में कैरेक्टराइज करते हैं फर्मियॉन बोसॉन स्पिन के बेस पे इनको दो पार्ट में कैरेक्टराइज किए हैं और उसके बाद कैसे आप डिफाइन करोगे कोई एटम फर्मियॉन्स है और फर्मियॉन्स के लिए क्या होना चाहिए क्या कंडीशन होना चाहिए टोटल वेव फंक्शन लिखेंगे तो कैसे हम टोटल वेव फंक्शन लिखेंगे यह बातें देखा आपने अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे कि स्पेस पार्ट स्पिन पार्ट अभी तक तो बेसिकली हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बातें करते हुए आए हैं और वेव फंक्शन लिखते हुए आए हैं लेकिन अब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का वेव फंक्शन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में स्पेस पार्ट स्पिन पार्ट का वेव फंक्शन लिखेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं जितने तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को डील करेंगे ओके डियर तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में ओके थैंक यू